नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को देखते ही 50,000 रुपये अपनी जेब में डालिए और टोकन को लेकर इस प्रॉपर्टी को विजिट करने आइए। जी हाँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मौके का सौदा कहा जाता है। इस तरह का फ्लैट आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। द्वारका की एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर 3 लोकेशन के अंदर की एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें आपको प्रॉपर 1 BHK प्रॉपर्टी बनी हुई मिलती है, रेडी टू मूव कंडीशन में, और बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। जस्ट गेट से बाहर निकलते ही आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, सामने आपको पार्क मिल जाता है। तो ये एक पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी आप मान के चलिए, और इसके अंदर काम आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। सारा काम आपको करा कराया मिलेगा, वुडन वर्क से लेकर टाइल वर्क, दीवारों का काम, खिड़की, सब कुछ। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पैसा वसूल प्रोडक्ट है, रिकमेंडेड बाय BRS। इसको लेके आप एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल प्रॉपर्टी है और DDA की प्रॉपर्टी है। आइए मैं आपको ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, ये थी हमारी प्रॉपर्टी का मेन गेट जहाँ से आप इस प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसे आप अपने लिविंग हॉल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्सपेक्टिव से यूज़ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी है। इसके अंदर आप इसे किसी भी ऑफिस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की लोकेशन पे बहुत ही बढ़िया पार्किंग स्पेस मिल जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कोई गली कूचा नहीं है यहाँ पे। इट्स अ प्रॉपर सोसाइटी। यहाँ पे जो पहला आप ये एरिया देख रहे हैं, इसमें आपको जो साइज़ मिलता है, ये साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट के आसपास है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट के आसपास है। तो 8x9 का सबसे पहला एरिया हमें मिल जाता है। वेंटिलेशन आपके सामने है, इधर भी डोर है, इधर भी विंडो है, तो बढ़िया वेंटिलेशन है। ऊपर नज़र मारिए, ये थोड़े बहुत जो चेंजेस करे गए हैं उसके बाद में पिलर और बीम है, जो आपको कहीं से भी बॉदर नहीं करेगा। एक बार इस तरफ आइए, यहाँ से अब आप इस फ्रेम में देखेंगे, इसके अंदर ये जो वुडन काम किया गया है, ये जो वुडन पैकिंग है पूरी, इसके ऊपर आपका AC फिटिंग्स आ जाती हैं, AC आ जाता है, और इसी वुडन के अंदर आपका पाइप रन हो रहा है, और उस पाइप का एग्जॉस्ट बिल्कुल बाहर की तरफ मिलता है आपको। अब आपके लिविंग हॉल से कनेक्टेड एक वॉशरूम होना चाहिए जिसको आपके गेस्ट यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया साइज़ का वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो आपको मिलता है 6 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में, एक बहुत ही बढ़िया वेस्टर्न सीट बोलते हैं उसको, वेस्टर्न कमोड के साथ में मिल जाता है, और पूरे दिन आपको इस खिड़की से बढ़िया चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी। उसके बाद आते हैं इस तरफ, और यहाँ पे आपको मिलती है एक L शेप में किचन, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। 6x6 की किचन है, नीचे आपको पूरा मॉड्यूलर फंक्शनल किचन, मॉड्यूलर नहीं है, इसमें आपको सिंपल पल्ले वाला काम मिलेगा, शायद लॉक्ड है। ऊपर भी आपको बढ़िया ओवरहेड स्टोरेज मिलता है। काम का क्वालिटी आप देख सकते हैं, बढ़िया काम हो रखा है, और ये काम हमारे सामने ही हाल फिलहाल, मतलब शायद 1.5 या 2 साल पहले ही कम्प्लीट हुआ है ये काम पूरा। और एक बढ़िया बात, इस लोकेशन पर अगर आप लोन करवाते हैं तो आपको बड़े आराम से कंप्लीट 24 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है इस प्रॉपर्टी पे। ओवर एंड अबव करके थोड़ा और की कोशिश भी करी जा सकती है। तो मान के चलिए अगर आपके पास सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए भी हैं, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेने का विचार बनाते हैं, तो वो पूरा हो सकता है आपका ड्रीम। और ये DDA की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर रेंटल इनकम भी बढ़िया आती है, कार पार्किंग हो गया, पार्क हो गया, इस तरह का स्पेस भी आपको मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि किसी भी नॉन DDA प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता है आपको। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी में हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल भी आ जाता है, द्वारका सेक्टर 3 का, अगर आप उसे गूगल पे डाल के देखना चाहते हैं तो ये उस तरह की और उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप एरिया देखते हैं, ये 10 फीट ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये 10 फीट ऐसे है, तो 10x10 का हमारा एरिया हो जाता है। दूसरी बढ़िया बात क्या है, इट्स अ ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी, तो उसके चलते अगर आपको इसमें सेकेंड एंट्रेंस यूज़ करनी हो तो आप ये वाला डोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 साइड से एंट्रेंस मिलती है। एक बार प्लीज़ इस तरफ आइए। अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए, अगर आप इसको बेडरूम बनाते हैं और इस रूम को लॉक रखते हैं तो आपको बढ़िया ओवरहेड स्टोरेज मिलता है। पुराने समय में इसे टाँड़ बोला जाता था, अभी इसको ओवरहेड स्टोरेज बोला जाता है। काम इसने वही करना है, दरवाजे खोलो, सामान डाल दो, तो नीचे का एरिया आपका खाली रहता है।
साइज आपको देख सकते हैं काफी बढ़िया है इसका। उसके बाद ये आपका स्टैंडिंग वार्डरोब आ जाता है जिसमें आपके कपड़े आ जाएंगे, या कमर्शियल पर्पज से रखते हैं तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एक वॉशरूम हमें आगे मिलता है, एक वॉशरूम हमें इधर मिलता है। मैं अंदर नहीं आता हूँ, कैमरा अंदर आ सकता है। सो ये वॉशरूम जो है ये आपको मिलता है कंप्लीट 4x4 के स्पेस में। एक वेस्टर्न सीट उधर मिल जाती है और एक इंडियन सीट इधर मिल जाती है। सो दोस्तों देखा आपने, इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। अगर आप इसे लेने का विचार बना रहे हैं तो जल्दी से बनाइए। मुझे पता है, देखिए इस तरह की प्रॉपर्टी के साथ होता क्या है, आप देखते हैं, आप जब तक सोच रहे होते हैं ना कि फाइनल डिसीजन बनाएंगे, उतने दिन में प्रॉपर्टी निकल जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में कई सारे लोग काम करते हैं। तो अगर आप इसे लेने का विचार बना रहे हैं तो टोकन डालिए जेब में, उसके बाद विजिट कीजिए। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, DD आपको बता चुका हूँ, कितना काम है वो आप देख चुके हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, कोड हमने यहाँ पे डाल दिया प्रॉपर्टी का, नंबर्स नीचे हैं। DDA का ये फ्लैट है, कई बार यूज़ कर चुका हूँ DDA का, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल प्रोडक्ट है। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।